तो कोई ऐसा सुराग नहीं मिलेगा अरशद शरीफ के लैपटॉप अब्दुल सत्तार आप अलग न्यूज देख रहे हैं तारिक मतीन हमारे साथ अरशद शरीफ की में शहादत के बाद फैसल वाउडा ने जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी टॉक शो में बात की उनके अपने ही मौकफ या तज, बात में तज़ाद पाया गया अर्शद शरीफ के प्रोड्यूसर अदीन लाजा ने एक ट्वीट किया वो भी आपसे शेयर करते हैं लेकिन उससे पहले आपके कमेंट से शुरू करते हैं रूबीना राना साहेबा लिखती हैं कि यू आर एब्सोल्युटली राइट इट्स नॉट इमरान खान अबाउट शुक्रिया और ये अच्छी बात है कि ये बात समझ में भी, भी आ रही है और खान साहब को वैसे बाकी अताड़ को जवाब देना या मतलब अगर आप टीयर बनाए ना तो नॉन लीग में सी में आते मतलब है ठीक है पार्टी के लिए अपनी बड़ी मेहनत कर रहे बट क्या पीटीआई से कोई भी बात करे टीयर सी का तो नवाज शरीफ साहब क्या जवाब देंगे मेरा ख्याल है ना उनको भी करना चाहिए ना इमरान खान सब को करना गंगा साहब लिखते हैं कि तारिक मदीम साहब पूरी खबर दिया करें मोहल्ले की मासी की तरह शोशा मत छोड़ा करें कौन है क्यों परेशान है ये अच्छा गुड फहद फहद जी बहुत तो शुक्रिया आपका दूसरा ये जो आपने मोहब्बत से कहा है ये भी कबूल दूसरा दोस्त बात यह है कि मैंने आप सर्स किया ना कि इस मामले को थोड़ा सा ऑफिशियल होने दीजिए तो फिर इसकी खबर आपको पूरी दे भी देंगे जनरल बाजवा का मामला था हम इशारों के रायों में खबर देते दे थे मैंने उस रोज भी मिसाल दे दिया साहब ने उसको ऑफिशियल कर दिया हमने फिर आपको खुल के खबर दी तो लेट इन बजारतली साहब लिखते हैं इटली से क्या कि क्या इलेक्शन 2025 में होंगे क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने यह कहा कि मैशियत को ठीक होने में एक साल लगेगा नहीं बशारत मेरा ख्याल है कि इतना दूर तो नहीं जाएंगे लेकिन ये की गुड आ, लेकिन ये जो है ये इलेक्शन नवंबर में हो जाएंगे ये मुझे मुमकिन नजर नहीं है ये इलेक्शन जो है वो जैसे आमिर मीर साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के सर पे डाल के ये इलेक्शन आगे बढ़ाए जाएंगे और इसका तो बंदोबस्त पहले ही कर लिया गया कि सदर से इख्तियार ले लिया गया अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर अदील साहब ने ट्वीट किया है कि अरशद शरीफ के कत्ल पर पहले दिन से फैसलवाडा झूठ पर झूठ बोल रहा है कभी किसी का नाम लेता है कभी किसी और का भाई जो सियासत में झूठ बोल रहा है बोलो अरशद का नाम इस्तेमाल मत करो सबसे पहले तुम्हें तो इस कत्ल में अंदर करना चाहिए जो हर इंक्वायरी से भागा जो कि सहूलतकार बना अच्छा फैसल की बारी में है राजा हूँ जवेदिया अरशद अर्द शरीफ साहब की जो दूसरी पोह हों या दीगर लोग जो लोग जानते थे अर्शद शरीफ साहब मतलब मैंने मैं उनके साथ काम किया है और अर्शद शरीफ साहब के जो साथ काम करने वाले लोग इस वक्त उनकी टीम में थे आखिरी वक्त में उन लोगों से भी मेरा रबता है तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि फैसल वाउडा साहब जो है इन तमाम लोगों की मुतफ़ा राय के मुताबिक आज झूठ बोल रहे और बार बार बोल रहे और फैसल वाउडा ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक आम आदमी भी देख रहा था कि फैसल वाउडा ने अर्शद शरीफ के कॉस को शहादत के बाद इन्वेस्टिगेशन को मुख्त चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया डैमेज ही किया बनाया मुसंसर। और उनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद हो पर दिखाई गई दिखाई गई ये सबसे ज्यादा डैमेजिंग चीज थी और फिर इस हुकूमत ने क्या किया उनमें से कोई एक चीज लेकर आए अर्शद शरीफ के लिए लोगों ने क्या कहा था कि सोने की स्मगलिंग से जुड़ा मामला है इस मामले में इमरान खान भी और ए आर वाई की मालिक सलमान इकबाल थी इन लोगों को खसीटा था इन लोगों ने याद है आपको जी तो ये जो हुकूमत है इसका तो बहुत ही शर्मनाक किरदार है और यही किरदार जो है वो फैसल वार्डर ने अदा किया इसीलिए आप देखिए कि अर्श शरीफ की एहलिया भी फैसल वार्डर के खिलाफ बात कर रही हैं फैमिली के दीगर लोग भी फैसल वार्डर के खिलाफ बात कर रहे हैं और फैसल वार्डर ने क्या कहा था अर्शद शरीफ पाकिस्तान से जाने पर मजबूर हुए और दुबई में थे फैसल वाउडा ने कहा कि अरशद शरीफ के वीजा की मुद्दत हो गई थी और निकाला नहीं गया दुबई से दुबई से और फिर वो वीजा मुकम्मल होने पर दुबई छोड़ना पड़ा यह कहा था और बाकायदा बड़े कन्विक्शन के साथ बताया उसके बाद आकर बैठे काशिफ अब्बासी के में फिर क्या कहा रॉन्ग भी हो सकता हूँ उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इंतारी के साथ ये बातें की इन्वेस्टिगेशन को खराब किया लोगों को बात करने का मौका दिया और उसके बाद ये बात की देखिए लेकिन फैसल के बयान की क्या कानूनी है देखिए उनके बयान की कानूनी से पहले एक और चीज देखिए कि कानून ने अदालत ने इस सिलसिले में एक स्पेशल जे बनाई एस उससे पहले एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई थी जी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अर्शद अर्शद शरीफ केस में इनको बुलाया ये वहां पर पेश नहीं हुए नहीं हुए फिर उसके बाद इस जे में फैसल वाउडा को बुलाया गया ये वहां पर भी पेश नहीं हुए अब इन्होंने एक और दावा किया इनका ये कहना है कि अरशद शरीफ का लैपटॉप जी अब वो ये कहते कि जिसके पास से लैपटॉप निकले तो कातिल वही है कि ये कैसे हो सकता है फैमिली के पास भी हो सकता है अब इनका ये दावा था ना कि अरशद का लैपटॉप नहीं मिला ठीक है अरशद शरीफ के उस लैपटॉप के बारे में मेरी अरशद शरीफ के इंतहाई करीबी लोगों से वो लोग जो मुसलसल आखिर दिन तक अरशद शरीफ से रबते हुए थे उनसे पर्सनली बात हुई है वो ये कहते हैं कि अरशद शरीफ के लैपटॉप में कुछ भी नहीं होता था अरशद शरीफ नेचर फोटोग्राफी भी करते थे डी एस एल आर था उनके पास तो कोई तो तो ऐसा सुराग नहीं मिलेगा अरशद शरीफ के लैपटॉप से जो उनके साथ के बारे उस लैपटॉप में उनकी उस नेचर फोटोग्राफी की जो चीज़ें थी वो गार्ड उस लैपटॉप पर करते अपने उस शॉप लैपटॉप उनका किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता था कोई सियासी मकसद नहीं नहीं उस पर कोई ही उनकी चीज़ें कुछ उनकी इंवेस्टिगेटिव स्टोरीज वगैरह कुछ चीज़ें नहीं था ऐसा कुछ दूसरा आ, ये जो बात करते थे ना मैं मैं फ़ोन पे था ये भी छूट बोल रहे मेरी बात हुई अदिल राजा साहब से अर्शद शरीफ की टीम के लोगों से करीबी लोगों से उनका ये कहना है कि अर्शद शरीफ के मामला थे ये लोग वापस आए काशिफ अब्बासी अदिल राजा अली उस्मान अहम्म यूसुफ और आशी अबासी के घर आए अर्शद शरीफ का फोन आया अदील राजा के फोन पे और अरशद शरीफ ने ये बताया कि दुबई अथॉरिटीज के लोग आए हैं और मुझे वो ये बात बता रहे कि यहाँ से निकालना चाहते हैं अरशद शरीफ ने उनसे जब वो इंग्लिश में इंटरेक्ट कर रहे थे दुबई अथॉरिटीज के लोगों से तब भी अदिल राजा को फोन पे ले लिया था और वो सुन रहे ऐसे तो ये तमाम चीजें हुई है अरशद शरीफ के बारे में जो फैसल वाडा ने कहा है वो फैसल वाडा वहाँ मौजूद दुबई में नहीं, 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 फिलडर जो थे वो एक और मौके पर बाद में पहुंचे थे ये मौका था अहमद यूसुफ साहब की सालगिरह का मौका है ये, ये वहां मौजूद लोग जो खुद मौजूद थे वो बता रहे की झूठ बोल रही और इनकी आप मुख्तलि देखते हैं उनमें भी जो इनके बयान है दसादे की जिस रोज दुबई से श्रीलंका जाना था स्पेन गया था

देखिए अर्चेशरणम जाने वो एक سیاستدان મહાદવાન સસવડાન ઉનસે ラપતે મેથે અદિલ રાજા સે મુસલસબ ラપતે મેથે ફૈસલ બૌડર કે જો દાવે હે યે ગરત હે ઓર યે જો શહઝાદ અકબર કો ભી ઇનવોલ્વ કરને કી ઓર નીટી આઈ કો ઇનવોલ્વ કરને કી હે ના ખાસ આમ સાંપ સાબ આમ ખાસ તાકતવરી જો બાતે કર રહે ઇન બાતો કે બારે મે ભી જવીરિયાની અર્ચેશિરનકપતરી ભી લોગોને બતા દિયા હે કે કુછ ભી સચ નહીં હે યે શખ્સ ખુદ ઇનવોલ્વ હો સકતા હૈ बाद में चीज़ों को ख़राब करने में लेकिन ये जो दावे कर रहा है वो तमाम के तमाम क्यों कर रहे आप मेरा ख्याल है कि किसी को बाकायदा एक तो पाकिस्तान तरीन साहब के चेयरमैन के खिलाफ तरीन साहब के खिलाफ अब ये बात कर रहे हैं बायदा सपोर्ट करते हो अब तो ये नवाज शरीफ के वजी अजम बनने के एलाना भी कर गया फैसला ऑर्डर तो ये बायदा उस चीज़ को और इस हुकूमत के लोगों को जिन्होंने अरशद शरीफ कत्ल किएस यहाँ पर

इनको तो गिरफ्तार करके इनसे मालूम हासिल की जानी चाहिए लेकिन ये जो है वो इंजॉय कर रहे हैं तारिक मदीन थे को अपने मुनायजा फरमाएस